हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं। बहुत आराम के साथ में बात करेंगे इस टॉपिक पे, क्योंकि टॉपिक तो सीरियस है। क्योंकि देखिए, आज की डेट में बहुत सारे लोग अपने छोटे कार्ट शुरू करते हैं, छोटे छोटे आउटलेट्स लगाते हैं, एंड ठेले के बिजनेस में, छोटे कार्ट के बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो शेफ अगर रखते हैं या फिर वो किसी और के भरोसे उसको छोड़ते हैं। सो उनको एक कन्फ्यूजन बना रहता है, उनके मन में ये डर रहता है हमेशा कि वो मेरा बिजनेस सही से चलाएगा या नहीं। एंड बहुत सारे लोग ठेले को, कार्ट को एज अ पार्ट टाइम शुरू करना चाहते हैं। वो कहीं पर जॉब कर रहे हैं और उनको लगता है कि यार, मैं जॉब से फ्री नहीं हो पाता हूं, तो मैं अपना ठेला खोलकर किसी को दे देता हूं, वो चलाएगा और मुझे महीने के पैसे दे देगा या डेली बेसिस में मुझे पैसे दे देगा। बट ये करने से पहले आपके माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि यार, मेरे को सेल का पता कैसे चलेगा। सो आज की वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखना, आपको सब कुछ इजीली समझाऊंगा बड़े प्यार के साथ में, बहुत सिंपल भाषा में, ताकि आपको फ्यूचर में नुकसान ना हो। अभी का वीडियो आप थोड़ा सा देख लो पेशेंस से, स्किप मत करना, क्योंकि आगे आगे बढ़ाओगे, फास्ट फॉरवर्ड करोगे तो सारी बातों को समझ नहीं पाओगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए, ठेले का बिजनेस एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। जितनी कम पूंजी लगाकर आप इसको शुरू कर सकते हैं, उतना ही इसको डिफिकल्ट होता है मैनेज करना। देखिए, जब एक बिजनेस एक लेवल पे पहुंच जाता है, जब आपके बिजनेस को चलाने के, रन करने के सारे प्रोसेस बने हुए हैं, है ना, हर चीज़ मैनेज हो रही है, सिस्टम से काम हो रहा है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं आती हैं। बट ये जो इनिशियल स्टेज होती है ना, जब आप ठेले से अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे होते हैं या आप मल्टीपल ठेले चला रहे होते हैं, सो उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप कभी भी ऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ को नहीं ढूंढ पाओगे, और अगर कोई आपको ऑनेस्ट एम्प्लॉय मिला तो वो सैलरी आप उसको उतनी नहीं दे पाओगे जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से ऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ आपको छोड़कर जाएंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? अब सॉल्यूशन ढूंढने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो एक सिस्टम को फॉलो करती हैं। उस सिस्टम को फॉलो करने की वजह से उनके बिजनेस में चोरी, फ्रॉड, पिलफरेज, जो भी चीज़ें होती हैं, ये नहीं हो पाती हैं। हालांकि हो तो वहाँ भी जाती हैं, बहुत वो लंबा प्रोसेस है, मैं कभी आपको बताऊँगा। बहुत हाई एंड जो सिस्टम्स होते हैं, बहुत हाई एंड पॉज मशीन्स होती हैं, उनको यूज़ करने के बाद भी पिलफरेज एंड फ्रॉड कर देते हैं जो शार्प एम्प्लॉयज़ होते हैं। उनसे बचने के भी तरीके मुझे मालूम है। कभी फुर्सत से अगली वीडियो में अगर आपके कमेंट्स आए तो मैं डेफिनेटली बताने की कोशिश करूँगा। बट यहाँ पर मैं बात करता हूँ कार्ट बिजनेस। अब पहले मान लीजिए कि आपका एक ठेला है, आप वहाँ पर बैठ नहीं सकते, या अगर आप बैठते भी तो बहुत कम समय के लिए रहते हैं, बाकी आपने वहाँ पर शेफ को छोड़ा हुआ है। सो यहाँ पर दो तरीके होते हैं। सबसे पहला कि आपके ठेले में आप कोई ऐसी चीज़ें बेच रहे हो जो काउंटेबल है। काउंटेबल मतलब, देखिए, जैसे चाप होती है, जब आप ना मार्केट में उतरेंगे तो ये चीज़ें आपको तब समझ में आती हैं। जैसे चाप होती है, चाप में आपको क्या होता है, जैसे आपने सिंपल सा एक चाप का काउंटर खोला जहाँ पर आपके पास 10 तरीके की चाप है, हर चाप का रेट 100 रुपीज़ है, और चाप की जितनी सीक है ना, आपने वो काउंट करके दे दी। थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ, आप अपने ठेले में कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो काउंटेड है, जिसको आप गिन सकते हो, जिसकी इन्वेंट्री आप ले सकते हो, सो यहाँ पर मैनेज करना आसान हो जाता है। बट छोटे से ठेले में आप बहुत सारी चीज़ें रखते हो, मल्टीपल वैरायटी फूड रखते हो, है ना, अलग अलग कुजीन रखते हो, चाइनीज़ में भी अलग अलग फूड है, अलग अलग प्राइस है, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो सकती है। सिंपली आप मोमोज भी रखते हो, आप स्प्रिंग रोल भी रखते हो, आप स्टीम मोमोज, चिकन मोमोज, वेज मोमोज, इसके अलावा आप बहुत सारे मंचूरियन रखते हो, चिली पोटैटो रखते हो, हनी चिली पोटैटो रखते हो, बहुत सारा आपका वाइड मेन्यू है ठेले में, तो अलग अलग प्राइस है, तो ये काउंट नहीं कर सकते आप। हालांकि ये भी काउंट करा जाता है, बट ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। सो इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक मोबाइल पॉज लेना है, या आपने मोबाइल में ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं बिलिंग के लिए, एंड थर्मल प्रिंटर आता है, ब्लूटूथ प्रिंटर आता है, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा महंगा आएगा ये थर्मल प्रिंटर, ब्लूटूथ प्रिंटर जो होते हैं, जो ये ब्लूटूथ प्रिंटर होता है, ये 11,000 से स्टार्ट होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपके रोज के 500-1,000 रुपये कम होने से बेहतर है आप एक बार इन्वेस्ट करके कोई ऐसा छोटा सा सिस्टम बना लो, जिस सिस्टम को, जिस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपके साथ रोज रोज की गले से चोरी ना हो। तो आपको क्या करना है, एक एम्प्लॉय हायर कर लो। देखो, एक तो आपने रखा है फूड को प्रिपेयर करने के लिए, जिसका काम सिर्फ बनाने का होना चाहिए, उसको ये नहीं पता होना चाहिए कितना ऑर्डर कितने का आ रहा है और कितना पैसा मुझे काटना है। ऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ भी हैं इंडिया में, अगर आपको मिल जाते हैं बहुत अच्छी बात है, बट मैं ये समझता हूँ कि बिजनेस में इनिशियल स्टेज में आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये आपको कड़वा लग सकता है, बट ये सच है, नहीं करना चाहिए। आपको सब यही सोचना चाहिए कि नहीं यार, ये हो सकता है ये अच्छा है, बट हो सकता है ये बीच में जाकर बिगड़ जाए, सो मेरे को एक सिस्टम बिल्ड करना है। तो सिस्टम बिल्ड करने का मतलब सिर्फ इतना है, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि छोटे से बिजनेस में आप कोशिश करो कि आप मैक्सिमम टाइम दे पाओ, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज है। जब तक आप अपने बिजनेस की इनिशियल स्टेज में डूब कर, अपने आप को तपा कर काम नहीं करोगे ना, आप उसको एक बड़ा लेवल तक नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर बड़े लेवल पर ले जाना है तो आपको उससे पहले कुछ रिसर्च करनी पड़ती है, कुछ सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं, कुछ प्रोसेस बनाने पड़ते हैं, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है इस चीज़ पर, तब आपको मैदान में उतरना पड़ता है, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। सो सिंपल सी बात इतनी समझिए, अगर आप
ऐसे प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। सो आपको एक एक छोटा सा शेफ हायर करना है, शेफ के साथ में आपको एक एम्प्लॉय हायर करना है जो एक ऑर्डर टेकर होगा। सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, आपने काउंटर लगा दिया, आपने एक ठेला लगा दिया, आपने एक कार्ट लगा दिया रोड साइड पे, बगल में उसके चेयर लगा दी, एक टेबल लगा दी, उस पर आपका एक लड़का बैठ गया, छोटा सा लड़का रख लो आप, 10वीं 12वीं पास किया हुआ, जिसको आपको सैलरी कम देनी पड़े थोड़ी सी, वो फ्रेशर होगा चलेगा, क्योंकि पॉज मशीन जो मैं आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ किसी बहुत तरीके के आते हैं, आपको ऑनलाइन आप गूगल पे भी डाल देंगे ना कि फास्ट फूड बिलिंग सॉफ्टवेयर्स, आपको मिल जाएंगे। तो आप बस उसको अपने फोन में डाल दो, फोन में डालने के बाद थर्मल प्रिंटर से आप उसको कनेक्ट कर दो और अपने एम्प्लॉई को उसको ट्रेनिंग दे दो कि कैसे आपको बिल्स प्रिंट करने हैं। अब सिंपल सी बात क्या होने वाली है, यहाँ पर जो भी कस्टमर आएगा वो वहाँ पर बिल प्रिंट करेगा, उनको स्लिप मिलेगी, स्लिप ले जाकर वो आपके शेफ को देगा और शेफ वो चीज़ बनाकर दे देगा, और शेफ क्या करेगा, वो स्लिप को अपने पास एक कांटे में लगाता रहेगा। आपको पूरा प्रोडक्ट रात को मैच करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, अपने जो आपका सॉफ्टवेयर है बिलिंग सॉफ्टवेयर, उसे एक रिपोर्ट निकालनी होती है डेली की, डेली सेल्स रिपोर्ट। अब डेली सेल्स रिपोर्ट में आपके कंप्लीट ऑर्डर्स की डिटेल आ जाएगी कि कितना प्रोडक्ट कितना कितना बिका है, कितने कितने प्लेट्स का ऑर्डर आया, एंड शेफ के पास एक कांटा लगा होगा जिस कांटे में उसने सारे जो टोकन से उनको रखा है, आप उन टोकन के साथ उसको मैच कर लो एंड सेल आपकी मैच हो जाएगी। ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पर आपके पिल्फरेजन फ्रॉड को कम किया जा सकता है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका होता है सीसीटीवी कैमरा आपने लगा दिया, लेकिन आप सीसीटीवी कैमरा लगाइए चाहे आप कुछ भी करिए, कहीं ना कहीं से कोई तरीका निकल जाता है जहाँ पर वो आपके पैसों को हेर फेर कर सकता है। सो अल्टीमेटली मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, रोज के आपके गले के नुकसान से बेहतर है आप एक 8-10 हज़ार का 15 हज़ार का एक शेफ के साथ से एक हेल्पर या एक एम्प्लॉय रखो जो बिलिंग करेगा, तो आपको रोज की दिक्कत नहीं आएगी, रोज आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, शेफ से लड़ना नहीं पड़ेगा कि यार सेल कम आ रही है, आपको सारी चीज़ें दिखती रहेंगी। और आपका वाईफाई कैमरा तो डेफिनेटली आप लगवाई लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आपको दो काम करने हैं, एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो आपको फोन में बिल्ड करना है और उसके बाद आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है, दो एम्प्लॉय रखने हैं शेफ और शेफ के साथ में ऑर्डर टेकर, और आपको फिर सारी चीज़ों को शाम को मैच करना है, ये बहुत जरूरी है। शाम को आपको जब आपका ठेला बंद हो रहा होता है, आपका काउंटर जब शेफ आपका क्लोज कर रहा है, उस टाइम पर आप जरूर आओ, अपना टाइम कहीं से भी निकालकर उस टाइम जरूर आओ और उसके सामने रिपोर्ट निकालकर मैच करो। उनको पता होना चाहिए कि जो मेरा मालिक है उसको चिंता है अपने बिजनेस की, वो मिसमैच नहीं होने देता चीजों को, वो मैच करता है सारे बिलिंग बिल्स को। अगर आप ये करते हो तो वैसे भी थोड़ा सा डर रहता है, आप अगर आते ही नहीं हो, दो दिन बाद अपनी सेल पूछते हो, तो फिर आप सोचो कि वो धंधा आपका कहीं तक नहीं जाने वाला है। तो ये कुछ बातें थी जो बहुत जरूरी थी, मुझे लगा इसको बताना चाहिए। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, एक नहीं बहुत सारे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा था, तो ये छोटा सा काम आप शुरू कर रहे हो अगर, तो इसको ध्यान में करो। बट एक पर्सनल एडवाइस मैं अपना आपको भाई होने के नाते देना चाहता हूं, अगर आप कोई कार्ड बिजनेस कर रहे हो ना, तो अल्टीमेटली आप अपने सारे काम छोड़ने के बाद उसमें लगो कुछ टाइम के लिए, तो जरूर लगो, क्योंकि वो इसलिए लगने के लिए कह रहा हूँ। आप कितना भी सेल मैच कर लो, कितने भी बिल्स मैच कर लो, आपको अल्टीमेटली पता होना चाहिए कि पर डे की सेल आपकी आती कितनी है। स्टार्टिंग में अगर आपने 3 महीने लगकर अपने कार्ट में काम किया ना, सो आपको अच्छे से पता होगा कि मेरी सैटरडे वाले दिन अल्टीमेटली कितनी सेल होती है ऑन एन एवरेज, मंडे वाले दिन मेरी कितनी सेल होती है ऑन एन एवरेज। तो जो लोग ग्राउंडेड रहते हैं ना, जो लोग जमीन से सीखते हुए ऊपर को बढ़ते हैं ना, वो नुकसान नहीं होता उनका। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, अगर आप कर सकते हो जरूर करो, लेकिन अगर आप पार्ट टाइम बेसिस पे खोल रहे हो तो ये काम आपको जरूर करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।